टू माई सी पी सी टी एग्जाम। आप सभी ने मेरे से जो है, मैंने आपको एक कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट की थी जिसमें पूछा था क्या आपको गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए या आपको जो अदर नोटिफिकेशन आती हैं वो भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आपकी सी टैट के बारे में। सी टैट क्या है आपका? सी टैट का जो फॉर्म है अप्लाई स्टार्ट हो गया है। सी टैट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा CTET.IN.NIC। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के उपरांत यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको सी टैट और यहाँ पे HTTP. यहाँ पे जो आप इस पूरा जो है यहाँ पे लिखा है इसको अच्छे से देख लेना है और फिर इस पे जो है हमको क्लिक कर देना है। तो देखिएगा यहाँ पे इसका होम खुल के आ जाता है और यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट जानकारी पाते रहने हैं, चाहते हैं आपके हमको ऐसी नॉलेज मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आपको कई सारी वीडियोज भी जो है कंप्यूटर जीके रीजनिंग मैथ जो हमारे अब चैनल पर आप सभी को जो है मिलती है। तो बेल आइकन आएगा एक छोटा सा, उसको भी प्रेस जरूर कर ले। इससे क्या होगा, वीडियो आप सभी को सबसे पहले प्राप्त होगी। तो देखिएगा यहाँ पे आना है हमें सबसे पहले, ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है CTET दिसंबर 2019 एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमको इसका चाहना है पहले नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आना होगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिसंबर 2019, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है और अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे CTET दिसंबर 2019 एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा, या फिर आप जो है नीचे मैंने अभी बताया उस पर भी जो है क्लिक कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा। इस ओपन हुई नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखा हुआ है दिसंबर नोटिफिकेशन यहाँ पे है। इसका आपका फॉर्म डेट अप्लाई और एग्जाम कब होगा, कौन कौन इस फॉर्म को जो है भर सकता है, यहाँ पे वो जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही आप सबसे पहले जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि CTET दिसंबर 2019 है। यहाँ पे ये जो है लास्ट है, यानी साल में ये लगभग दो बार कंडक्ट होती है, एग्जाम कराया जाता है, तो ये 2019 का जो है ये लास्ट है। साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका फॉर्म जो भर रहा है 19/8/2019, यानी कि आज के दिन से इसका स्टार्ट हो गया है। साथ ही मैं बता दूं आपको यहाँ पे इसका लास्ट डेट रहेगा आपका 18/9/2019। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे और नीचे करता हूँ तो आपको फुल यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही इसका जो लास्ट डेट आपका 18/9/2019 है, आपका फीस पेमेंट क्या है और वो कितनी तारीख तक आपको यहाँ पे करना है, तो 23/9/2019 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप देखेंगे बिफोर 15 जो है आपका 3 हॉर्स, यानी कि बिफोर इसके पहले आपको जो है यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो आपको मेरे सजेशन से हिसाब से आप 22 तक अपना पूरा कर लें या फिर आप अपना 20 तक कंप्लीट जो है कर लें। क्या होगा कि सर्वर डाउन होता है, कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो उसमें आप फंस सकते हैं और आप चूक सकते हैं। ये वीडियो आपके भाई बहन अन्य लोगों के लिए भी आप शेयर करें। और यहाँ पे देखिएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8/10/2019 को जो है आपका यहाँ पे पेपर होगा। ये जो है शिफ्ट 2 चलेंगे इसकी, जो है मैं अभी बता देता हूँ आपको। और ये पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे वही है। और जाते हैं आगे हम नीचे, यहाँ पे देखते हैं तो ऑनलाइन करने का सारा प्रोसेस यहाँ पे है, कैसे कैसे करना है। इसके लिए देखिएगा यहाँ पे पहले बात आती है आपकी फीस पेमेंट की। तो फीस पेमेंट क्या रहेगा, किस प्रकार है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है जनरल OBC के लिए जो है 700 रुपये रहेगी, ओनली पेपर 1 और 2 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे 1 और 2, यानी कि आप दोनों में से एक कोई पेपर लेंगे तो आपको जो है 700 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको जो है 1200 रुपये पेमेंट करना होगा। इसी प्रकार SC ST डिफरेंट एबल्ड जो भी पर्सन है उनके लिए 350 रुपये है और दोनों देना चाहते हैं उनके लिए 600 रुपये है।
साथ ही आप इसका पेमेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सिंडिकेट बैंक से और कैनरा बैंक से ई चालान के जरिए कर सकते हैं। साथ ही आप पेमेंट वाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। साथ ही अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका जो फॉर्म है वो, ऐसी कोई समस्या है, आप कुछ क्वारी करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो ये जो है हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर जो है आप यहाँ से आपको पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, वैसे आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे और मैं बता देता हूँ इसका जो मतलब आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, क्या क्या है। पेपर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पेपर का जो शेड्यूल है यहाँ पे देखिए, ऑफ CTT December 2019 इज गिवन ब्लॉक। तो यहाँ पे आपका 8/12/2019 संडे को है पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन का जो टाइमिंग है वो 9:30 AM टू से 12 तक रहेगा आपका, और यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। सेम प्रोसेस इसमें है, आपका टाइम रहेगा यहाँ पे 2 PM टू 4:30 बजे तक, यानी कह लीजिए यहाँ पे भी आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एलिजिबिलिटी है, आप मतलब कौन कौन सी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वो यहाँ पे देखिएगा। अगर आपने 12th पास किया है, यहाँ पे देखिएगा सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है ये, और 50% मार्क एंड फर्स्ट अपेयरिंग होना चाहिए आपका फाइनल ईयर में। 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में आपका 2 ईयर वाला डिप्लोमा होना चाहिए, और फाइनल ईयर आपका जो है कंप्लीट हो चुका हो और सेकेंड ईयर में आपको जो है चल रहा हो, यानी फाइनल ईयर भी आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी आपके पास हो, 45% मार्क आपके पास हो, अपेयरिंग आपको फाइनल ईयर होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे लिखा है NCT रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स एंड प्रोडिशन, है ना, तो आपको 2 ईयर का जो है डिप्लोमा होना जरूरी है। साथ ही सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे आपका है 50% मार्क यहाँ पे होना चाहिए, और आपके पास 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री यहाँ पे है, तो एजुकेशन BEED आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, तो 4 ईयर का जो होता है वो, और साथ ही यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी है 50% होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन है। और यहाँ पे और देख लेते हैं, यहाँ पे जो लेवल है यहाँ पे देखिएगा वो है आपका 1 से 5th, यानी कक्षा 1 से लेके 5 तक जो है क्लास के लिए रहेगा। अगला देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, तो इसके लिए जो है आपका इसी में है, ये जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, और बैचलर ऑफ एजुकेशन BEED आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब बात आती है आपकी यहाँ से, यानी कि 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक आपके पास ग्रेजुएशन अपीयरेड जो है मतलब पास होना चाहिए, फाइनल ईयर ऑफ 12th डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि BEED। इसमें आपका वही ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क, 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEED। आपका 1 ईयर का पहले जो है BEED चलता था, अब 2 ईयर का चलता है, तो वो होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास 45% मार्क्स होना चाहिए, 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEED होना चाहिए आपके पास, या आपका 2 ईयर का है तो वो भी आपका यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे देखिएगा और है इसी में, तो 2 ईयर्स और 4 ईयर्स का जो है आपका कम्युनिकेशंस, यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ कि सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपके पास, वो भी 50% मार्क से साथ होना चाहिए, और अपेयरिंग फाइनल ईयर में आपका 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वही है आपका सीनियर सेकेंडरी है, 50% मार्क और 4 ईयर BA BSc BEED जो है आपका होता है वो होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स, अपेयरिंग फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे, अपेयरिंग इन फर्स्ट ईयर BEED स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पे पास्ट है आपका, तो देखना हो चाहिए आपको फर्स्ट ईयर पास्ट है ना। अब देखते हैं हम इसका जो है फॉर्म्स का रिलेटेड जानकारी आपको सभी को मिल चुका। अब यहाँ पे देखिए आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 1 से लेकर 2 5th क्लास तक जो आपका पेपर रहेगा उसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा, 30-30 मार्क के सभी होंगे, टोटल आपका 150 क्वेश्चन आएगा और 150 मार्क रहेगा।
यहाँ पे देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी कंपलसरी आपका जो है सभी के लिए रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी रहेगा, लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी रहेगा, फिर इसके पास आपका मैथमेटिक्स रहेगा 30 नंबर का, और एनवायरमेंटल स्टडी रहेगा, पर्यावरण अध्ययन आपका 30 नंबर का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपका इसी अकॉर्डिंग सिलेबस जो है, फुल सिलेबस भी है इसी में मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी होगी। साथ ही अब देखते हैं हम यहाँ पे आपका क्लास, देखिएगा यहाँ पे सेकंड फेज में आपका यानी क्लासेस सेकंड जो पेपर है 6 to 8 तक है आपका। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस प्रकार है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी कंपलसरी है, कंपलसरी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज आपकी यहाँ पे है। मैथमेटिक्स एंड साइंस से अगर आपने किया है, आपने बीएससी या बीकॉम की है, तो आपके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे। सोशल साइंस यदि आर्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो आएगा, इसका जो है आपका 60 मार्क्स का जो है यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे भी आपका 60 का रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे 150 मार्क्स रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो मैथमेटिक्स है तो 60 नंबर का आएगा, अगर आपने आर्ट से किया, आर्ट सब्जेक्ट रहेगा तो वो आपका 60 नंबर का आएगा, बाकी की ये तीनों है जो है 30-30 नंबर के आएंगे। चलिएगा ये तो है, यहाँ तक बात हो जाती है। अगली बात जो हम करते हैं यहाँ पे जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जैसे आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, फीस आपकी इस प्रकार रहेगी। यहाँ पे आपको जो फुल सिलेबस चाहिए, क्या चाहिए फुल सिलेबस, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका फुल सिलेबस है। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी दी है, यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। पेज नंबर आप 16 पे जो है इसको देख लेंगे। साथ ही अब मैं इसका जो आपका दोनों का ही यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करना है, और ऐसी जो मैंने बताया है उसी के अनुसार आपको डाउनलोड करना है। साथ ही मैं यहाँ पे जैसे आपको बता रहा था कि अप्लाई, तो अप्लाई में आपको क्या क्या प्रोसेस है, स्टेप टू अप्लाई यहाँ पे देखिएगा, इसमें कौन कौन से स्टेप होंगे आपके। सबसे पहले आपका स्टेप रहेगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है, अपलोड स्कैनर फोटो एंड सिग्नेचर डालना है आपको, पे एग्जामिनेशन फीस करनी है, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज जो है फिर डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपकी, जैसे मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पर आप देखेंगे एक नया पेज आता है, इसमें भी जो है आपके स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं चेकबॉक्स पे, यहाँ पे आपका क्लिक हेयर टू प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इमेज अपलोड करनी है, और फीस पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार का फॉर्म आएगा खुल के, जिसे आपको यहाँ पे नेम वो डालना होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी टाइप डालना है, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, सिटी टाउन डालना है, तो ये सारी आपको भर लेनी है, और फिर आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास जो है एक रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ पे जस्ट पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आएगा, इंटर सिक्योरिटी, और यहाँ पे फिर आप साइन इन कर लेना, फिर अपना फॉर्म फिल कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या आप ऑनलाइन भी भरवाती हैं तो वहाँ से अपना जो है कंप्लीट करवा लेना, फॉर्म अच्छी तरीके से भरना यहाँ पे।